दोस्तों आज आप लोगों को जो भारत पर आगमन हुआ था यूरोपियन का, उसके बारे में आज आप लोगों को कुछ बताऊंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। जो वास्को डिगामा है, जो इंडिया का रिसर्च किए थे, भारत की खोज करने वाला प्रथम यात्री यूरोपियन यात्री कौन है? वास्को डिगामा। चलिए शुरुआत करते हैं। पहले जो है पुर्तगाली आए थे, फिर उसके बाद डच आए थे, फिर अंग्रेज, फिर डेनिश, फिर फ्रांसीसी आए थे। जो डच हैं जो 1602 में आए थे, और अंग्रेज जो है ब्रिटेन, ये 1600 में आए थे, लेकिन इनकी कंपनी जो 1608 में आए थे, इनकी कंपनी कितने में हुई थी? 1600 में ही खुल गई थी। फिर इसके बाद डेनिश आए थे 1616 में, फिर फ्रांस आए थे 1664 में। इसके बारे में डिटेल बात होगी, चलिए शुरुआत करते हैं। पहले पुर्तगाली, उनके बारे में। पुर्तगाली जो हैं, पुर्तगाली इनकी जो राजधानी है लिस्बन है। आगे बात होगी इनके बारे में, लिस्बन के बारे में। जो 1492 में कोलंबस जो इंडिया का खोज करने के लिए चला था, लेकिन वो अमेरिका पहुंच गया, इसलिए माना जाता है कि अमेरिका खोज करने वाला प्रथम यूरोपियन यात्री कोलंबस है, जो इटली का था। अमेरिका का खोज किसने की थी? कोलंबस ने। व्यापारिक खोज में पुर्तगाली सबसे आगे थे, माहिर थे उसमें। 1498 में वास्को डिगामा ने भारत की खोज की थी, केप ऑफ गुड होप से आया था। एक गुप्त मार्ग है केप ऑफ गुड होप, उसी के रास्ते से आया था यह। जो 1498 में वास्को डिगामा को एक इवेन मजीद नाम का एक आदमी मिला था, जो भारत पे ने लेकर आया था। 1488 में बार्टेमू डास ने केप ऑफ गुड होप की खोज की थी। कौन केप ऑफ गुड होप की खोज की थी? बार्टेमू डास ने। वास्को डिगामा कालीकट पर 20 मई 1498 में पहुंचा था। वास्को डिगामा जो है 20 मई 1498 में पहुंचा था कालीकट, या कोचिन कट भी कहा जाता है उसे। अमीरों के नक्शे पर है। और हाँ, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, पुर्तगाली की जो राजधानी है लिस्बन है, पुर्तगालियों की राजधानी लिस्बन है। कालीकट को कोचिन कट, जो कि केरल में है, लोकल राजा वहाँ के जमोरी थे, लेकिन उनका नाम जमोरी नहीं था, जमोरी पुर्तगालियों ने रख दिया था, क्योंकि इन्हें उनके नाम का नहीं पा रहे थे। और जब पुर्तगाली वहाँ पर गए, तो उनका बहुत ही ट्रेडिशनल तरीके से स्वागत किया गया था। जमोरिन का नाम जमोरिन नहीं था, जो पुर्तगाल आए थे उनका नाम जमोरिन लिख दिए थे अपने बुक में। वह हिंदू राजा था, उसका नाम क्या था? समुथरिन था। जमोरिन सब पुकारने लगे, जमोरिन बोलते थे, इसलिए उनका नाम जमोरिन रख दिएगा। कौन ज़्यादा पुकारेगा समुथरिन। वह यहाँ से मसाले और काली मिर्च, बहुत सारी जड़ी बूटियों का भी ले जाया करते थे, वहाँ से लेकर आया करते थे। उसे इस व्यापार में 60 गुना लाभ हुआ और 6000 का बेचा था, 60 गुना मुनाफा भी। वहाँ से हलचल मच गई सभी लोगों में, कि हल्ला हो गया कि ये कहाँ से आ गया और कहाँ से ये सब सामान लेकर आया, जो कि इतना इसे फायदा हुआ। यह सबसे पहले अपने एक दोस्त को बताया था, वो अभी कुछ किसी जो दोस्त को बताया था, वो ब्राज़ील की खोज किया था, जिसका नाम पेड्रो अल वर्स कबराल था। ये पुर्तगाल थे, पुर्तगाल तो माहिर हैं खोज करने में, नाव चलाने में माहिर, तो खोज करने भी माहिर। पेड्रो अल वर्स कबराल, इतना बड़ा नाम है, पेड्रो अल वर्स कबराल, जिन्होंने क्या किया था? ब्राज़ील की खोज की थी। और ये कौन है? फ्रांसिस्को द अल्मेडा, लेकिन ये युद्ध हार जाते हैं तो इन्हें हटा दिया जाता है, फ्रांसिस्को द अल्मेडा। वास्को डिगामा ने अपनी जीवन में 3 बार भारत पर आया था, बहुत उतना दूर से 3 बार आए थे। पुर्तगालियों ने कोचिन में अपनी पहली फैक्ट्री खोली थी, 1500 ईस्वी में फैक्ट्री खोल डाली। 4 अर्मडा गामा 1502 में,
1505 में फ्रांसिस्को द अल्मेडा पहला गवर्नर बना जो पुर्तगालियों की तरफ से था। कौन कौन था? फ्रांसिस्को द अल्मेडा पहला गवर्नर था पुर्तगालियों की तरफ से। 1508 में चोल का युद्ध हुआ था, बैटल ऑफ चोल। यह युद्ध महमूद विगारा तुर्की सुल्तान और इजिप्त के सुल्तान जो हैं एक तरफ थे। कौन कौन अलग अलग थे युद्ध में? महमूद विगारा तुर्की के सुल्तान थे और इजिप्त के सुल्तान थे, दोनों आमने सामने थे। इन दोनों में युद्ध हुआ था। इजिप्त की तरफ से फ्रांसिस्को द अल्मेडा थे जो पुर्तगाली अल्मेडा की तरफ से इस पुर्तगालियों की हार हो गई थी बैटल ऑफ चोल में, जो मुंबई से 60 किलोमीटर बगल में पड़ता होगा। फ्रांसिस्को का एक बेटा भी जो फ्रांसिस्को था, फ्रांसिस्को द अल्मेडा पूरा नाम है इसका, ये अपना एक बेटा भी युद्ध में खो दिया था और इसकी बुरी तरह से हार भी हो गई थी। तब सब जो वहाँ के पुर्तगालियों थे कि कहें कि ये किसी काम का नहीं है, युद्ध भी हरवा दिया और अपना बेटा तो खोया ही। अब 1509 में अल्फांसो द अल्बुकर पुर्तगालियों का नया गवर्नर बना। कौन? अल्फांसो द अल्बुकर्स। 1510 में बीजापुर के यूसुफ आदिल शाह से गोवा छीन लिया गया। 1510 में बीजापुर जो है, बीजापुर के यूसुफ कोई आदिल शाह थे, आदिल शाह, इनसे गोवा छीन लिया गया और गोवा को अब विजयपुरा के नाम से भी जाना जाता है जो कर्नाटक में है। कर्नाटक में इसकी दूरी 285 किलोमीटर है। गोवा में राज्य किए 1961 तक, फिर हटाया गया इन्हें। जो हम लोग का राज्य आज़ाद हो गया था, हम लोग का देश, और गोवा जो है उस समय भी कब्जे में चल रहा था क्योंकि वह समुद्र के किनारे पड़ जा रहा था और उसे निर्यात करने में आसानी पड़ रही थी, इसलिए उन सबको फायदा हो रहा था। गोवा पुर्तगालियों भारत पर प्रिंटिंग प्रेस लाए थे जो कि क्लास 10th के मुद्रा संस्कृति के चैप्टर में जानेंगे कि कौन लाया था। पुर्तगालियों ने पहला प्रिंटिंग प्रेस लाए थे। तंबाकू की शुरुआत भी की थी इन्होंने, करवाई भी की थी, इससे खराब चीज़ लेकर आए थे, यहाँ से बढ़िया चीज़ लेकर जा भी रहे थे। लोधी वंश की आखिरी राज्य चल रहा था, जो इब्राहिम लोधी है उसका आखिरी चल रहा था। तब तक कौन टपक गया था? बाबर टपक गया था उसी समय, फिर उसके बाद युद्ध किया, जीत गया। डच, इसके बाद डच आते हैं, पुर्तगालियों के बाद डच आते हैं। डच नीदरलैंड के निवासी थे, इस समय हम उसे हॉलैंड के नाम से जानते हैं। कॉर्नेलिस द हाउसमैन 1596 में आने वाले पहला डच नागरिक था। कौन? कॉर्नेलिस द हाउसमैन 1596 में डच नागरिक था और 1602 में डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हो गई थी। और वो सब आए थे 1600 में आए थे, 1600 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, 1600 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हो गई थी, लेकिन वो सब आए थे 1602 में। 1605 में मसूलीपट्टनम में इन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री खोली थी, कमाने के लिए पहली फैक्ट्री खोल भी डाली। पुलिकट को इन्होंने अपना हेड क्वार्टर बनाया था, पहले पुलिकट बाद में नागापट्टनम हुआ था, पुलिकट के बाद नागापट्टनम हुआ था, जैसा कि आप लोग यहाँ पर एगो लेटर। डच जो सूती वस्त्र, कच्चा रेशम, अफीम, नमक, चावल आदि व्यापार करते थे। क्या क्या? सूती वस्त्र, रेशम, अफीम, नमक, चावल, ये सब व्यापार करते थे। और 1667 में यह डील हुई कि अंग्रेजों और डच के बीच कि आप इंडिया ले लो, हमें इंडोनेशिया दे दो। लेकिन अंग्रेज तो खतरनाक ही है। 1759 में बेदरा का युद्ध हुआ था। इस युद्ध में डचों की पूरी तरह से हार हुई थी। एक पुर्तगाल
बार्टोलोमियन दास, जो कि शुरू में आपको बताया था कि बार्टोलोमियन दास 1488 में अफ्रीका में जगह केप ऑफ गुड होप की खोज हुई थी। पुर्तगाल की कैपिटल जो है लिस्बन है, आपको तो पता ही होगा। और देखिए पुर्तगाल यहाँ पर है और भारत यहाँ पर है, इतना दूर से सब आते थे, इतना दूर से यहीं पर आते थे, यहीं पर कालीकट में ही, जिसे हम कोचिन कट भी कहते हैं, जैसा कि लिखा गया है। नक्शा भी बहुत बेहतरीन बनाया गया है, केप ऑफ गुड होप देख देख सकते हैं आप लोग कहाँ पर है, यही है केप ऑफ गुड होप। और ये मेडागास्कर है, कोई आइसलैंड होगा। जो है पुर्तगालियों का वास्को डी गामा जो केप ऑफ गुड होप के रास्ते से आया था, उसे गुजराती मिला था, कौन, इवेन मजीद, जो लेकर कहाँ गया था, भारत पर लेकर गया था। तब तक ही जमोरिन या समुथरिन जो है, उसका नाम समुथरिन था, उसका स्वागत किया। इंडिया का यह मैप है, इतना लिखा गया इसमें। ये जो काली कट है, कोचिन कट इसी को ही कहा जाता है, और इसका 1502 और 1663 काली कट बैटल ऑफ चोल, यहीं पर युद्ध हुआ था। ये गोवा है, नागपुर है, फिर ये पुली कट है, इसे नागापट्टनम बाद में हुआ था, मसूलीपट्टनम, नागापट्टनम, उसी में सब है, आप लोग देख सकते हैं। बम्बई यहाँ पर है, बम्बे। अब इसके बाद कौन आते हैं, गद्दार आ गया, मेन गद्दार यही है, अंग्रेज। यूनाइटेड किंगडम के यूरोप ब्रिटेन में से आए थे अंग्रेज, जो है भारत कैसे पहुँचे थे, जो 1498 में पुर्तगालियों जब भारत पर आ गए थे, तो पुर्तगालियों का आना जाना लगा रहता था, यहाँ से वहाँ जाना, वहाँ से यहाँ जाना, उतना दूर से वो भी जब आना जाना लगा रहता था अपने देश से और अपने देश के व्यापार के सिलसिले में, तो क्या हुआ, एक बार एक अंग्रेज, उसका नाम क्या था, फ्रांसिस डेक था उसका नाम, जहाज़ की सहायता से पुर्तगालियों की तरफ घूमने निकला था। जो पुर्तगालियों अपना चला नाव से चला चले आ रहे थे, तभी यह घूमने निकला था, भ्रमण करने निकला था, तभी रास्ते में उसे पुर्तगालियों मिला था, पुर्तगालियों को नाव को देखकर लूट लिया था, उसमें व्यापारियों का सामान वामान रहा होगा, उसको देखकर लूट लिया। फिर बाद में उसे जब लूटा था, फिर बाद में उसे आखिरी में कुछ मिला होगा, मैप और नक्शे उससे मिले होंगे, ताकि वह समझ सके कि भारत से यह व्यापार हो रहा है, तो उसने समझ लिया कि इतने दूर से आ रहे हैं, ज़रूर कुछ लाभ हो रहा होगा। ब्रिटिश में जाकर यह बात फैला दिया। ब्रिटिश मर्चेंट एडवर्ड एडवेचर 1599 में, फिर उसके बाद इजाज़त लिया है, कौन, इंग्लैंड की जो वहाँ की महारानी थी एलिजाबेथ ने 31 दिसंबर को फरमान जारी कर दिया था कि जाओ, 1600 की मोहर लग 1600 में मोहर लग चुकी थी, केप ऑफ गुड होप के पूर्वी दिशा में व्यापार कर सकते हैं आप लोग, आप लोग अब जा सकते हैं, जाइए। 1602 में ये लोग आए थे, इन्हें क्या हुआ था, 15 साल की छूट दे दी गई थी, लेकिन वहाँ के पुर्तगालियों हैं, फिर वो सब हमला बोले, लेकिन फिर 1602 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हो गई थी वहाँ पर, मतलब मोहर लग गया था कि आप लोग जा सकते हैं, लेकिन पूरी तैयारी होगी तभी ना वहाँ पर पहुँचेंगे, और ये सब गद्दार मेन गद्दार हैं ही, कि ताकि कोई छोटा मोटा सेना, मतलब अगर थोड़ा पहले ही तुरंत मोहर लग जाती है चले जाते हैं, तो वहाँ पर वो सब भगा भी देते हैं, और एक बार भगाते थे उन सब की और शान उन बढ़ जाता, इसलिए सब पहले नहीं गए, 2 साल बाद गए। फिर कोई दूत भेजना पड़ता था, ऐसे थोड़ो जाकर व्यापार कर सकते हैं किसी देश में, इसके कारण इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जन्म हुआ था, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। या 1608 में कैप्टन हॉकिंस सूरत आया था, फिर 1609 में कैप्टन हॉकिंस जहांगीर के दरबार में गया था, कैप्टन हॉकिंस अंग्रेज के जो यात्री थे,
तब जहांगीर ने क्या फरमान जारी कर दिया था कि आप फैक्ट्री लगा सकते हैं सूरत में लगा सकते हैं, लेकिन वहाँ पर तो पुर्तगाली बसे थे। ईस्ट इंडिया कंपनी ने पहली फैक्ट्री मसूलीपट्टनम में लगाई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी पहली फैक्ट्री मुगल साम्राज्य के अंतर्गत सूरत में लगाई थी। 1612 में सुहेली का युद्ध हुआ था ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच और पुर्तगाल के बीच की तुम यहाँ सब क्या कर रहे हो, तुम सबको नहीं यहाँ पर अपना व्यापार करना है, तुम सब जाओ अपने देश में। इन सब के बीच युद्ध हुआ था, लेकिन पुर्तगाल तो थे ढेर दिन ज़्यादा दिन के आए थे, इसलिए सब तो अपनी राजधानी मतलब कि पूरा अपना समय जता लिया था उसी दिन और उसी ज़मीन पर, ताकि वो सब कोई भी आए तो उसे हटा ना सके। ये सब जीत भी गए थे तो फिर उसके बाद ये सब ब्रिटेन सब क्या किए थे, जाकर फिर से जहांगीर के दरबार में गए और कहें कि हमको सब भगा दे रहे हैं। तो फिर उसके बाद वो ऐसा जारी किया कि आप किसी मुग़ल साम्राज्य के अंदर कहीं पर भी फैक्ट्री लगा सकते हैं। पुर्तगालियों को सूरत में अस्तित्व समाप्त हो गया था। बाद में 1615 में क्या हुआ था, टॉमस रो ने फिर जहांगीर के दरबार में गया पहुंच गया कि इस बार ऐसा फरमान लिया कि अब मुग़ल ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी फैक्ट्री खोल सकती है मुग़ल साम्राज्य के अंदर। जितनी भी नक्शा है भारत की उसके अंदर चाहे जहाँ भी अपनी फैक्ट्री खोल सकती है। आप समझ रहे हैं ना कि धीरे धीरे उंगली पकड़ें फिर हाथ उंगली फिर हाथ पकड़ेंगे फिर धीरे से गला पकड़ लेंगे इन सब की। इस गलती की वजह से कहा जाता है, इस गलती की वजह से भारत पर राज करने वाले राजा की गलती की वजह से जहांगीर भी इसमें शामिल था। 1602 में पुर्तगालियों की महारानी की शादी, महारानी कौन थी, कैथरीन थी। पुर्तगालियों को 1662 पुर्तगालियों की महारानी कौन थी, कैथरीन, इनकी शादी कर दी गई थी किंग्स चार्ल्स मुंबई। जो कौन थे किंग्स चार्ल्स, ब्रिटेन थे। धीरे धीरे गला पकड़ने भी वाले हैं। 1602 में शादी कर दी गई और सब मुंबई दहेज में दे दिए गए। फिर रेंट लेने लगे। इंग्लैंड के सम्राट ब्रिटेन के राजा बाद में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को मुंबई रेंट पर दे दिया गया 10 पाउंड प्रति वर्ष, साल भर में 10 पाउंड की दर से। गोरोल्ड अग्नियर की बम्बई का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है, किसको, गोरोल्ड अग्नियर को वास्तविक माना जाता है कि यह मुंबई का वास्तविक संस्थापक है। और गोविंदपुर सुतानती और कालीकता, इन तीनों को मिलाकर कलकत्ता बना है 1698 में। जन चारनाक को कोलकाता का संस्थापक माना जाता है, किसको, जन चारनाक, याद कर सकते हैं जन चारनाक, बहुत सिंपल है। यहाँ पर फोर्ट विलियम का निर्माण किया गया था। इस समय और गंजेब जो है मर चुके थे, मुगल साम्राज्य का बादशाह फर्रुख सियर भी था। फोर्ट विलियम का निर्माण किया गया था यहाँ पर, औरंगजेब मर गए थे, मुगल साम्राज्य के बादशाह फिर कौन थे, फर्रुख सियर। 1717 में फर्रुख सियर तो औरंगजेब तक ही शासन जो है मजबूती से था, फिर उसके बाद तो फिर दाएं बाएं वाले आ गए सब, इधर उधर सब हटा दे रहे थे। 1717 में फर्रुख सियर के दरबार में गए थे फरमान लेने के लिए। 1759 में बेदरा का युद्ध हुआ था डच के साथ, डचों की बुरी तरह से हार हो गई थी। अब शुरू में ये आपको बताया था कि डचों की कर्नाटक का पहला युद्ध, फिर दूसरा युद्ध, फिर तीसरा युद्ध, इसे सप्तवर्षीय युद्ध कहा जाता है। 1760 में वाड़ीवास का युद्ध हुआ था, इसमें भी बुरी तरह से हार गए थे। इसके बाद तो वो सब अंग्रेज अब भगाने के लिए शुरू हो गए थे। फिर इसके बाद डेनिस आए थे, इनका मकसद व्यापार करने का नहीं था, इनका बस प्रचार करने का था ईसाई धर्म का, जैसा कि आप लोग यहाँ देख सकते हैं प्रचार करना। डेनिस डेनमार्क से आए थे और 1616 में भारत आए थे। 1616 में पहली बस्ती बंगाल के
श्रीरामपुर में बसाई थी। कहाँ? श्रीरामपुर में। व्यापार भी कम किया था इन लोगों ने। ज़्यादा किसकी प्रचार की थी? ईसाई धर्म में। ये प्रचार ही करना था आए थे कि फ्रांसीसी फ्रांस स्पेन के बगल में फ्रांसीसी से आए थे। जो फ्रांस फ्रांसीसी हैं स्पेन के बगल में कोई फ्रांस राजधानी राजधानी होगी वहीं से आए थे, ताकि यह स्पेन जो है मशहूर है और उसके बगल में कुछ रहा होगा, वो अभी मशहूर नहीं था इसीलिए नाम लिखा गया उसके बगल में। कोलबर्ट ने पूर्व में व्यापार करने के लिए फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की थी 1664 में। कोलबर्ट मंत्री था फ्रांस का, उसका नाम लुई चौदहवां था, उसका मंत्री था, एक मंत्री था कौन, जो कोलबर्ट मंत्री था फ्रांस का उसका नाम क्या था, लुई चौदहवां था, एक मंत्री भी था उसका। भारत में 1668 में सूरत में फेको केरो ने पहली कोठी खोली थी। 1674 में फ्रांसीसी मार्टिन ने क्या किया था, पांडुचेरी की स्थापना की थी। फ्रांसीसी मार्टिन ने पांडुचेरी की स्थापना की थी। फ्रांस का यही गवर्नर है। 1734 में ड्यूमा इनका नया गवर्नर बना था, ड्यूमा, जिसने व्यापार बहुत बढ़ाया था, व्यापार को बहुत बढ़ाया था। 1742 में खतरनाक बंदा कौन, डुप्लेक्स गवर्नर बन गया। डुप्लेक्स हार भी गया था हमको, कहीं कहीं डुप्ले ही होता है। पूरा नाम इसका क्या है, जोसेफ फ्रांसिस डुप्ले था। पहला कर्नाटक युद्ध में 1746 से 48 के बीच में हुआ था। औरंगजेब जो है मुगल साम्राज्य उसकी मृत्यु हो गई थी। बाद में मुगल साम्राज्य ताश के पत्तों की तरफ बिखर गया था, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। दूसरा कर्नाटक युद्ध 1749 से 54 डुप्लेक्स हार गया था। उसे वापस बुलाकर चार्ल्स गोडेहू को भेजा गया था। कौन? चार्ल्स गोडेहू, फ्रांस से इसे भेजा गया था, फ्रांस से। पांडिचेरी फ्रांस भी कम नहीं थे, टक्कर के थे दोनों। पांडुचेरी की संधि, यह युद्ध समाप्त हो गया था। फिर तीसरा युद्ध हुआ, तीसरा कर्नाटक युद्ध 1756 से 63, सप्तवर्षी युद्ध भी कहा जाता है, जो तीसरा कर्नाटक युद्ध हुआ था। फिर समझ गए लोग कि दोनों टक्कर के हैं। फिर सप्तवर्षी युद्ध भी कहा जाता है, 7 साल का। अंग्रेजी जो है क्रेनेटिक है, अंग्रेजी में क्रेनेटिक है। सप्तवर्षी जो है युद्ध के बाद जो अंग्रेजी थे क्रेनेटिक हैं। वास्को डिगामा, तीसरा कर्नाटक युद्ध सप्तवर्षी, दोनों शक्तियों को शत्रुता फिर से आमने सामने आ गई। इस युद्ध की शुरुआत जो है फ्रांसीसी सेनापति काउंट दे लाली द्वारा हुई थी। लाली को ब्रिटिश सेनापति सर आयरकुट द्वारा हरा दिया गया था। यहाँ का सेनापति सर आयरकुट था। ब्रिटेन के साथ पेरिस की संधि करनी पड़ी थी, अतः फ्रांसीसी वाड़ीवास में लड़े गए तीसरे युद्ध में लड़े गए थे, जो 1760 में हुआ था। 1760 में हुआ था, हार गए थे। बाद में यूरोप में इन्हें ब्रिटेन के साथ पेरिस की संधि करनी पड़ी थी, जो कि क्लास 10th के चैप्टर हिस्ट्री में पहला चैप्टर यह है, यूरोप में राष्ट्रवाद। अब पढ़ेंगे तो उसमें समझ में आ जाएगा कि जो फ्रांसीसी थे वहीं पर राज किए थे। इनको बता दिया गया कि आप फ्रांस जो फ्रांस हैं आप लोग जा सकते हैं यूरोप में, और भारत पर कौन राज करने लगे, अंग्रेज राज करने लगे। दोनों आपस में बंटवारा कर लिए, दोनों टक्कर के थे, इनको हटाना मुश्किल पड़ गया था फ्रांस को इसीलिए। और ट्रिक क्या है आप लोग को शुरू से याद करने के लिए, ट्रिक है पुत्र अड़ा। जो भारत में यूरोपीय कंपनी का आगमन हुआ था उसका ट्रिक क्या है, पुत्र अड़ा और डान फंसा। पुत्र मतलब पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी 1498 में,
और से अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी जो 1600 में आए। डा मतलब कि डच ईस्ट इंडिया कंपनी 1602 में, डान डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1664 में, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी 1664 में ये भी आए थे, स्वेडिश ईस्ट इंडिया कंपनी बाद में सब आए थे 1731 में। अब आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा, पुत्र, पुत्र मतलब कि पुत्र, पुर्तगाली, पुर्तगाली। अड़ा मतलब कि अ, अ मतलब अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 में ही आ गई थी। अब शुरू से वीडियो मत पहुँच जाएगा कि पहले पुर्तगालियों को बताए थे फिर उसके बाद डच को ही, डच ही को आना है। नहीं, पहले 1600 में इनकी कंपनी शुरू हो गई थी, जो एलिजाबेथ थी वह फरमान जारी कर दी थी कि आप लोग जा सकते हैं, लेकिन ये सब आए नहीं थे, सब पूरी ताकत के साथ आएंगे ना, जो अंग्रेजी पुत्र अड़ा, पुत्र पुर्तगाली, अ से अड़ा अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी, और डा जो है डान डच ईस्ट इंडिया कंपनी जो 1602 में आई थी, और डान मतलब कि डेनिश ईस्ट, डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1664 में आई थी, और फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी जो है 1664 में आई थी। डान, डान जो है डान यहाँ पर लिखा है, पुत्र अड़ा डॉन डान फंसा, डान फिल्म देखी होगी शाहरुख खान की, डान फंसा डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी के बाद फ्रांसीसी, फ फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी, फिर सा और सा यहाँ पर स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1731 में। आशा है कि आपको ट्रिक समझ में आ गया होगा और याद भी हो गया होगा, इतनी आसान ट्रिक है। और ये लड़ाई युद्ध के बारे में बताया गया है, ट्रिक है। संतावन प्लास 60 वाड़ी को 64 बक्सा में 61 बार पानी पिलाया था। फिर से समझ लीजिए, 57 प्लास 60 वाड़ी को 64 बक्सा में, क्या 57 प्लासी जो प्लास है गिलास टाइप होगा, 60 वाड़ी को 60 लोगों को 64 बक्सा में, 64 जो है थाली टाइप रहा होगा, 64 बक्सा 64 थाली में 61 बार पानी पिलाया था। आप लोगों को याद हो गया, 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था अंग्रेजों ने और सिराफुद्दौला में। फिर 1760 में क्या हुआ था, वाड़ीवास का युद्ध हुआ था जो फ्रांसीसी पराजित हुए थे, 2 में तो जीत गए थे, फिर बराबरी का टक्कर हुआ था इसमें जो है पराजित हो गए थे, इसीलिए यूरोप की संधि हो गई थी, पांडिचेरी, पांडिचेरी की राजधानी बनाई थी, बना लिए थे। फिर उसके बाद 1764 में क्या हुआ था, बक्सर का युद्ध हुआ था अंग्रेजों और मीर कासिम को हरा, अंग्रेजों ने मीर कासिम को भी हरा दिया था, मीर कासिम जो है सिराफुद्दौला के साथ धोखा कर दिया रहता है। फिर 1761 में क्या हुआ, 1761 में पानीपत की पहली तीसरी लड़ाई हुई थी जो अहमद शाह अब्दाली ने मराठों को हराया था। अहमद शाह अब्दाली जो है बहुत 17 बार आक्रमण किया था, कितनी बार, 17 बार भारत पर आक्रमण किया था, 17 बार किया था, इसलिए वह आना नहीं चाहता था, फिर जानता था कि मैं जीत ही जाऊंगा। अहमद शाह अब्दाली लगभग लाखों की फौज लेकर आया था और मराठों को हरा दिया था, मराठों ने भी, मराठों ने जो भारत है, भारत है, भारत के सभी राजाओं के साथ सभी से सेना ले लिया था, लेकिन फिर भी हार गया था, अहमद शाह अब्दाली जीत गया था। माना जाता है कि जो अहमद शाह अब्दाली है इसी के वजह से फिर भारत में कभी नहीं आया, भारत में जो लड़ाई करने हैं, जो युद्ध करने हैं, फिर कभी नहीं आया इसी के वजह से, क्योंकि इसकी जो अहमद शाह अब्दाली की फौज थी, मराठों ने पूरी ताकत के साथ इसकी फौज पूरी ख़त्म कर दी थी, और ये भी साथ में मारे गए थे, लेकिन अहमद शाह अब्दाली की फौज भी ख़त्म हो गई थी, इसलिए वह फिर भारत पर कभी नहीं आया। इसके सिलसिले में एक फिल्म भी बनी है, 17 जो तीसरी पानीपत की युद्ध थी,
और आपको याद हो गया होगा जो पुत्रारा और डॉन फंसा और ये अभी 17 प्लास से 60 वाड़ी को 64 बक्सा में 61 बार पानी पिलाया था। और आपको बंगाल व भारत का प्रथम गवर्नर जनरल और वायसराय इसका ट्रिक क्या है याद करने के लिए आप लोग पढ़े होंगे बुक वुक में, तो प्रथम भारत का गवर्नर जनरल फिर उसके बाद वायसराय पढ़ने में और भूल भी जाते होंगे, इसलिए आप लोग की ट्रिक है रॉबर्ट है विलियम की मौसी, कोई रॉबर्ट लड़का है उसकी, जो रॉबर्ट है विलियम की मौसी, रॉबर्ट मतलब रॉबर्ट क्लाइव बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल है, मतलब कि हेस्टिंग वारेन हेस्टिंग, रॉबर्ट है हेस्टिंग वारेन हेस्टिंग बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल है। और ये क्या है प्रथम बस गवर्नर है, जनरल नहीं है, जनरल उच्च पद के लिए होता है, विलियम विलियम रॉबर्ट है विलियम विलियम मतलब विलियम बैटिंग भारत का पहला गवर्नर जनरल, ये अभी उसी के पद जब यह हट गया उसी पद से तब इस उसी को इस पद पर बनाया गया। फिर उसके बाद की कौन है कैनिंग है कैनिंग लॉर्ड कैनिंग, और आप लोग पढ़े होंगे तो लॉर्ड कैनिंग लॉर्ड वायसराय बहुत लोग आते होंगे लॉर्ड लॉर्ड के नाम से, लेकिन याद करने के लिए और मेन इम्पॉर्टेंट कौन है लॉर्ड कैनिंग है भारत का पहला वायसराय है। और उसके बाद मौसी मौसी से आप लोग मौसी याद कर लीजिए मौसी मौसी यहाँ पर आप बात हो गई मौसी कौन मौसी मौसी माउंट बेटन स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल थे, स्वतंत्र जो भारत हम लोग का स्वतंत्र हो गया था उसका जो है गवर्नर जनरल है। और सी इनके बारे में तो आप लोग जानते होंगे सी गोपालाचारी स्वतंत्र भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल थे, जब हमारा भारत स्वतंत्र हो गया था उसका पहले गवर्नर जनरल थे सबसे पहले। इसके साथ मेरा वीडियो समाप्त होता है, अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, इसके साथ अगले वीडियो में भेंट होगी, तब तक के लिए धन्यवाद। और हाँ कमेंट भी कर दीजिए ताकि अच्छा लगे।